सोलन में भी विद्यार्थियों ने परीक्षा के समय कैसे तनाव मुक्त रहें और परीक्षा का डर कर नहीं डट कर कैसे सामना करें इसके टिप्स सीखे, और क्यों ना सीखते जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बड़े प्यार से ये टिप्स खुद दे रहे थे। विद्यार्थियों ने करीबन 30 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा एक उत्सव को लेकर उनके विचार सुने। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को परीक्षा में छात्रों को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए मंत्र दिया और कहा कि परीक्षा को उत्सव की तरह मनाएं। कार्यक्रम से बच्चों ने सीखा है कि परीक्षा के दौरान तनाव और घबराहट जैसी स्थिति से छात्र कैसे निपटें। इस खास कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा को लेकर सोलन के विद्यार्थियों में खासा उत्साह दिखा और सोलन छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में बच्चों के साथ साथ सांसद वीरेंद्र कश्यप ने भी इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री का संदेश सुना। देश के प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए मंत्र दिया और कहा कि परीक्षा को उत्सव की तरह मनाएं। इस मौके पर सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि ये खुशी की बात है कि तनाव जैसे गंभीर समस्या को लेकर बच्चों को तनाव मुक्त करने की एक पहल खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ओर से की गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षा पर चर्चा पर देश के प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण टिप्स विद्यार्थियों को दिए हैं, जिससे अगर वह अपने जीवन में अपना लें तो बड़ी से बड़ी परीक्षाएं भी वह बिना किसी तनाव के दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि बताए गए टिप्स से विद्यार्थी जहां तनाव मुक्त रहेंगे वहीं वह अच्छे नंबर भी ला पाएंगे, जिससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा। और जिस तरह से बच्चों ने माननीय मोदी जी की एक एक बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है, वो अपने आप में दिखाता है कि बच्चे आज जो हैं वो अपने नेता के प्रति और प्रधानमंत्री के प्रति कितने जो है वो निष्ठा रखते हैं। और मैं ये मानता हूं, मैं स्वयं भी एक टीचर रहा हूं, और टीचर होने के नाते मैं यही कह सकता हूं कि बच्चों को आगे बढ़ना है तो उनको साथ साथ जो है अपने पिता माता पिता अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ना है। और जो बातें आज माननीय मोदी जी ने कही हैं उस पर अगर वो चलेंगे तो अवश्य ही वो परीक्षा में जो एक दबाव बनता है, माँ बाप की तरफ से दबाव बनता है, गुरुजनों की तरफ से दबाव बनता है, समाज की तरफ से दबाव बनता है, उससे वो मुक्त होंगे और समाज का एक बहुत अच्छा अंग बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है।